नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। यदि गांव की दहलीज पर मुखिया जी पिस्तौल ताने दिख जाएं तो घबराइएगा नहीं। दरअसल सरकार उन्हें अब रिवॉल्वर का लाइसेंस देने जा रही है। बिहार में लगातार पंचायत प्रतिनिधियों की हो रही हत्या और उनके ऊपर हो रहे हमले को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है सरकार का ये नया फैसला। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं से कई सवाल खड़े हो गए हैं। हत्याओं का दौर शुरू हो गया था, जिसके बाद सरकार ने जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान कर दी है। आखिरकार सरकार ने ऐसे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की बात मान ली। जरूरतमंद मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि को शर्त के अनुसार हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में सरकार द्वारा सभी जिलों के DM और SP को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि पंचायती राज विभाग की तरफ से ऐसा अनुरोध किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संबंधित पूर्व के नियमों को अधिक्रमित करते हुए शस्त्र नियम 15 जुलाई 2016 से ये प्रभावी रहा है। अब आयु संबंधी सभी मामले आयुध अधिनियम 2016 के तहत संपादित किए जाते हैं। नियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए जिला पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार माना गया है। गृह विभाग के अपर सचिव ने सभी जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से ये बातें बता दी हैं कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधित आयुध अधिनियम 2016 का दृढ़ता से पालन किया जाए। ऐसे पंचायती राज प्रतिनिधियों से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित आवेदन को नियमानुसार निष्पादित किया जाए। देखना होगा कि सरकार इस आदेश के बाद मुखिया समेत सभी जनप्रतिनिधियों की हथियार का लाइसेंस देने की मांग किस हद तक पूरी होती है। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के बाद से ऐसे कई बार मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले की खबर आती रही है। ऐसे में बिहार सरकार के इस अनुमति से उम्मीद है कि मुखिया व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस मिलने के बाद उन पर होने वाले हमलों में कमी आएगी। बता दें, मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधि लगातार राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से राज्य सरकार अब पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए गंभीर हो रही है। दरअसल इसको लेकर के पहले ही पंचायती राज विभाग ने सरकार से अनुरोध किया था कि पंचायतों के ऐसे प्रतिनिधि जो सुरक्षा की मांग कर रहे थे उन्हें अब शस्त्रों का लाइसेंस दे दिया जाए। हालांकि सरकार ने इस संबंध में सभी DM और SSP को पत्र जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से पंचायत प्रतिनिधियों की कितनी सुरक्षा हो सकती है। फिलहाल बिहार इन शॉर्ट्स में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।